वेरस कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में 80% पीपल जो है वो फ्रेंच स्पीक करते हैं और 20% पीपल डच बोलते हैं। अब दोस्तों ये तो रही वहाँ की फैक्ट एंड फिगर। अब कहानी ये है कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल रहा था पास्ट में, और इसको जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थे वो पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा बाद में मिला, तो जिस वजह से ये दोनों कम्युनिटी के बीच का जो रिश्ता था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता गया और इन दोनों के बीच में टेंशन यानी कि तनाव पैदा हो गया बिटवीन 1950 एंड 1960 में। इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन पैदा हो चुका था और ये जो टेंशन यानी कि जो तनाव था वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूट था ब्रुसेल में। ध्यान दीजिएगा, ब्रुसेल इनफैक्ट एक नया प्रॉब्लम प्रेजेंट करता था कि जो माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, सॉरी, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो पूरे कंट्री में तो मेजॉरिटी में है लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल में माइनॉरिटी। तो ये एक नया तरीके का प्रॉब्लम था। तो अब ये ही बेसिकली वहाँ की कहानी थी। अब इसके बाद हम समझेंगे कि क्या था श्रीलंका। तो दोस्तों अब बात श्रीलंका की। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि तमिलनाडु के साउदर्न मोस्ट कोस्ट से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इसका पॉपुलेशन करीब करीब 2 करोड़ के बराबर है जो कि हरियाणा के स्टेट के बराबर है। सोचिए दोस्तों, एक नेशन और एक स्टेट के बराबर, इंडियंस कहाँ जा रहे हैं ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे बाकी सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरह यहाँ पर का भी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर दो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, एक है सिन्हाला स्पीकर्स के और एक है तमिल स्पीकर्स के। यहाँ पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीज़न नहीं है, लेकिन श्रीलंका में लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीज़न है और दो सब ग्रुप्स हैं, सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स टोटल पॉपुलेशन का 74% है, तमिल स्पीकर्स 18% है और एक और तीसरा सब ग्रुप भी है वहाँ पर, ग्रुप भी है जिसका नाम है क्रिश्चियन, 7% है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के फॉलोवर जो है वो तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं, इसी वजह से इनको अलग ग्रुप नहीं ट्रीट किया जाता है, बल्कि श्रीलंका में दो ही मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, एक है सिन्हाला स्पीकर्स और दूसरा है तमिल स्पीकर्स। तमिल के अंदर दो सब ग्रुप्स हैं, एक है तमिल नेटिव यानी कि श्रीलंकन तमिल्स जिनके फोर फादर वहाँ पर श्रीलंका में ही रहे हैं पहले से, ओरिजिनल वहाँ के जो तमिल्स हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, दूसरे तमिल्स होते हैं इंडियन तमिल्स जिनके फोर फादर्स जो थे इंडिया से प्लांटेशन वर्कर के रूप में गए थे श्रीलंका कोलोनियल पीरियड के समय। सो ये है श्रीलंका का एक ब्रीफ बैकग्राउंड। अब यही दो स्टोरीज पे पूरा कहानी चलता है। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। आप लोगों को मेरा बेंच वाला एग्जांपल तो याद ही होगा जिसमें मैंने आप सभी को बेंच के बारे में जिक्र किया था और ये बताया था कि जब दो बेंच पार्टनर्स होते हैं तो उनके बीच में झगड़ा होता है, तो अगर कोई मोटा ताज़ा आदमी हट्टा कट्टा हो तो भाई वो दूसरे के ऊपर अपना विल इम्पोज कर ही देता है, और यही हम देखेंगे श्रीलंका के एग्जांपल में। श्रीलंका जो था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज किया था 1948 में, जस्ट इंडिया के एक साल बाद, और तब से जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी उसके ऊपर श्रीलंका के सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो लोग अपने मेजॉरिटी की ताकत के दम पर डोमिनेंस सिक्योर करना चाहते थे। तो जिस वजह से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी उसने एक सीरीज़ ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म इस्तेमाल किया। मेजॉरिटेरियनिज्म वो बिलीफ है जिसमें कि ये सोचा जाता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो पूरे कंट्री को जिस भी तरीके से चाहे उस तरीके से चला सकती है, उसका जो भी विल है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर इम्पोज कर सकती है बिना उनके इंटरेस्ट को देखते हुए। तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें कि सिन्हाला को केवल ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया था तमिल को हटाते हुए, और गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ फॉलो करने लगी थी। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होता है जहाँ पर एक को ज़्यादा फेवर किया जाता है, और ये प्रेफरेंशियल पॉलिसी सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर करती थी, उनको यूनिवर्सिटी पोजीशन मिल गया, गवर्नमेंटल जॉब्स मिल गए उनको। तो उसके बाद फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी लगा दिया गया जिसने ये बोला कि स्टेट को बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट और फॉस्चर करना चाहिए। बुद्धिज़्म सिन्हाला स्पीकर्स का जो था वो मेजर रिलीजन था, आपको बता देता हूँ ये बात, और जो तमिल स्पीकर्स थे वो हिंदू थे या तो फिर मुस्लिम थे। ओके, सो श्रीलंका एक बेसिकली बुद्धिस्ट नेशन है। तो ये जो पॉलिसीज़ जो एक के बाद एक आ रही थी, ये सारे पॉलिसीज़ जो थे वो सिन्हाला स्पीकर्स को ही फॉलो मतलब फेवर करते थे।
तो जो तमिल स्पीकर्स थे उनको ये लगने लगा कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसको सिन्हाला लीडर्स चला रहे हैं वो उनके लैंग्वेज और कल्चर के लिए सेंसिटिव नहीं है। उनको लगता था कि गवर्नमेंट उनको हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ना ही उन्हें जॉब दे रही है, ना उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल रहा है, ना उन्हें इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों के वजह से ये जो कम्युनिटी के बीच का रिलेशन था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन होता चला गया, टाइम द टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता चला गया और इसके बहुत सारे इल इफ़ेक्ट रहे हैं।